अनुपम रॉय एक भारतीय गायक, गीतकार और संगीत निदेशक है। अनुपम स्टूडियो एल्बम के लिए एकल कलाकार के रूप में काम करते। एक फिल्म संगीत योगदानकर्ता के रूप में वह गीतकार, संगीत निदेशक और पार्श्व गायक के रूप में काम करते हैं। कलकत्ता में जन्मे और पले बड़े अनुपम ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट पॉल बोर्डिंग एंड डे स्कूल किटपोरा और एमपी बिड़ला फाउंडेशन बिहार से पूरी की। उन्होंने कोलकाता के जदवपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह अपने बेंच के स्वर्ण पदक विजेता थे। वह 2004 से 2011 तक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया बेंगलोर के लिए एनालॉग सर्किट डिजाइन इंजीनियरिंग के रूप में काम करते थे। अनुपम की संगीत में दीक्षा मुख्य उनकी मां मधुरिता रॉय से हुई। एक प्रशिक्षित गायिका उन्होंने इसे बुनियादी बातें सिखाई। स्कूल में रहते हुए भी उन्होंने 3 साल तक तबला बजाना सीखा। उस समय तक उन्होंने मुख्यतः बंगाला में गीत लिखना शुरू कर दिया था। वर्ष 2001 में अपने प्राथमिक गीत लेखन साथी के रूप में ध्वनिक गिटार को चुनने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए अपने पिता के बुलबुल तरंग के साथ काम किया। उन्हें हमेशा अपने विचारों को अपनी पसंद के शब्दों और संगीत वाक्यांशों में व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस होती थी। इस तरह यह सब शुरू हुआ और प्रेम जीवन और भावनाओं के बारे में उनके विचार उनके गीतों के माध्यम से पल्लेखित होने लगे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी कर ली, लेकिन उनके अंदर का गीतकार गाने बनाता रहा। वह बंगाली में अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करने के अपने सपने को साकार करने का प्रयास करते रहे, जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि यही किसी दिन रिलीज होगा। अगस्त 2010 तक कुछ भी आकार नहीं ले पाया, जब उन्हें अचानक बंगाली फिल्म उद्योग में ब्रेक मिला। जब उनके 2 गाने फिल्म ऑटोग्राफ में उनके दोस्त और उनके गीतों के प्रशंसक सृजीत मुखर्जी द्वारा इस्तेमाल किए गए थे, ये 2 बेहद लोकप्रिय हो गए। आखिरकार अनुपम परिदृश्य में आ गए और उन्हें संगीत बनाने के लिए प्रस्ताव मिलने लगे। फिल्मों में इसके बाद उन्होंने जोखिम उठाया और अपनी नौकरी छोड़ दी और गीत लेखन और संगीत रचना को अपना पूर्णकालिक व्यवसाय बना लिया। वह अपने गुरुनगर कोलकाता में स्थानांतरित हो गए और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 4.5 वर्षों तक बंगाली फिल्म और संगीत उद्योग में काम करने और काफ़ी संख्या में हिट देने के बाद 2015 के मध्य में उन्होंने सूची सरकार की पीकू के साथ एक संगीत निदेशक, गीतकार और पार्श्व गायक के रूप में बॉलीवुड में डेब्यू किया।